पंचायत सचिवों की हड़ताल से आहत नगरोटा सूर्या विकास खंड की पंचायतों के प्रधानों ने शुक्रवार को तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में प्रधानों ने चेताया है कि यदि हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों, सहायक अभियंताओं की एकमात्र मांग पर कोई फैसला नहीं लिया तो पंचायत प्रधान भी इनके साथ हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कथौली पंचायत प्रधान जीएस बेदी ने बताया कि जिला परिषद कैडर अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल से पंचायतों के सभी कार्य प्रभावित हो गए हैं। निर्माण कार्यों की सीमेंट व सामग्री खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों की स्कूलों व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित कॉलेज के एडमिशन शुरू हो गई है तो पंचायत से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं मिलने से संस्थानों में बच्चे प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जिला परिषद कैडर अधिकारियों व कर्मचारियों की मांग का शीघ्र हल किया जाए। खंड नगरोटा सूर्या के सभी प्रधान इकट्ठे हैं यहाँ पर और हम लोग जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं का, उसके लिए हम लोगों ने देखा है कि 25 तारीख से ये लोग पंचायतों में नहीं आ रहे हैं और ब्लॉक में बैठे हैं धरने के ऊपर। तो पंचायतों के बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं। हम लोगों ने सीमेंट इशू करवा के रखा हुआ है, वो जाम हो रहा है, बरसात के दिन है, सारे के सारे काम बंद पड़े हैं। और मनरेगा की लेबरें, जो मज़दूर लोग हैं, वो रोज़ पंचायतों के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे मसौल कब निकलेंगे। तो उनको यही जवाब हमारी तरफ से मिल रहा है कि अभी तक पंचायत सचिव या जीज वगैरह काम पे नहीं है, तो जब तक वो नहीं आते तब तक काम नहीं होगा। और वो लोग बहुत मजबूर हैं और वो हर बार इस बात को कर रहे हैं कि हम लोग भी धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं अगर सरकार इनकी बातों, इनकी मांगों को नहीं मानती है। तो हम तो सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करें और ये जिला परिषद कैडर में जो लोग हैं इनको वहाँ से हटाकर अपने पंचायती राज विभाग में विलय करें इनका। और जो छठे वेतन आयोग का लाभ सभी कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश के अंदर मिला है, वो इन कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार ना करते हुए इनको उसका लाभ दिया जाए। हम लोग यहाँ सभी प्रधान इकट्ठे हुए हैं और आज हम प्रधान लोग ही, पंचायतों के जो चुने हुए नुमाइंदे वही लोग आए हैं यहाँ पर। और अगर सरकार ने इन लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं किया, इन मांगों को पूरा नहीं किया और ये लोग काम पर वापस नहीं आए, तो हमें मजबूर होकर पंचायत में जो मनरेगा के हमारे दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, वो भी लोग हमें मजबूर करेंगे कि हम लोग यहाँ उनके साथ धरना प्रदर्शन करें। और अगर सरकार नहीं मानी तो उनके साथ हमें दोबारा से, और वो कितना अरसा चलता है, कितना लंबा समय चलता है धरना, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी और जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेवार भी सरकार होगी। अगर जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा नहीं करती है तो आगे के परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। बेदी जी, यह है कि जो पंचायत चौकीदार हैं वो सेक्टरी का काम करेंगे, तो इसके ऊपर क्या कहना है? ये मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसमें कोई ये आप लोग सभी समझते हैं और विभाग भी समझता है, अधिकारी वर्ग भी समझते हैं, सरकार भी समझते हैं कि चौकीदार और सिलाई अध्यापकाएँ इस काम को किस कहाँ तक निभा सकते हैं। वो लोग कहीं नालायक नहीं है, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो काम नहीं कर पाते, लेकिन जो जिम्मेवारी एक सचिव की है, एक तकनीकी सहायक की है, एक जेई की है, वो जिम्मेवारी एक चौकीदार या एक सिलाई अध्यापिका कैसे उसका निर्वहन करेगी, ये तो सरासर एक मजाक है, मैं समझूंगा ऐसे। तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नगरोटा सूर्या से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।